सेकेंड दिसंबर का आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। साउथ वेस्ट एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में इसका लोकेशन उस समय होने का पॉसिबिलिटी है। बंगोपसागर रे दाना बांधुची संभाव्य बात्या मिंचाऊ आसंता काली सुधा यह अवपातर रूप नहीं पारे पूर्वानुमान प्रकाश पाई। डिसेंबर 2 तारीख में बंगोपसागर में बात्या संभावना नहीं पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। बात्या नहीं कौन स्पष्ट चित्र सामना को आसी नथिबा बेले आगुआ मुकाबिला पाई प्रस्तुति आरंभ करिछन्ति सरकार। मंगलवार दक्षिण आंडामान सागर व दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप आज सका वेलमार्क लो प्रेसर व सदृश लघुचाप परिणत हो यहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिछि। 30 तारीख अर्थात गुरुवार यह अवपातर रूप नहीं पारे। धीरे धीरे यह संभाव्य बात्या 2 तारीख में घूर्णी बात्यार रूप नहीं पारे बोली पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। ओडिशा का जो है ओडिशा का रेनफॉल का फोरकास्ट जो है अगला 5 दिन तक कोई वार्निंग नहीं है हमारा ओडिशा में और रेनफॉल का फोरकास्ट जो है अगला 4 दिन में सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। सेकेंड दिसंबर तक सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। केन्द्रीय बंगोपसागर में यार प्रभाव अधिक रहा 2 तारीख में बेसी विपद बोली सतर्क कराई पानीपाग विभाग। यहसह यही समय समुद्र मध्य 40 रु 50 सर्वाधिक 60 किलोमीटर वर्षा होवार संभावना रही जोने समुद्र भितर को जाइंट 1 तारीख सुधा फेरी आसवाई परामर्श देपाग विभाग। संभाव्य बात्या नहीं बर्तमान ओडिशा पर कौन विपद संकेत जारी करना दक्षिण आंडामान निकोबर अंचल सतर्क जारी कर 5 दिन जाए राज्य में कौन सतर्क सूचना ना। राज्य में 2 तारीख जाए पाग सुखिला रन तारीख बेलू राज्य गोटे कि दुईट स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।